का जन्मदिन मना रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार बहुत मजा आ रहा है। मैम पिज्जे बांट दीजिए। थैंक यू पापा कि आपने इन बच्चों में मिठाई बांटने की एडवाइस दी। हैप्पी बर्थडे। बाय। बेटा ड्राइंग बनाई है तुमने, कौन ही है? माँ पा पा बे 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 बेटा तुम बाकी बच्चों के साथ खेलने क्यों नहीं जाते? कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा फ्रेंड, तुम मेरे साथ खेलो। फ्रेंड चलो अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? एक जंगल में हिरन होता है और एक शेर। हिरन आगे आगे भागता है और शेर पीछे पीछे। हिरन आगे आगे, शेर पीछे पीछे, और तुम ऐसे बहुत प्यारे दिखते हो, ऐसे ही हंसते रहो, देखना तुम्हें भी नए मम्मी पापा लेके जाएंगे। देखिए इसे कोई छुट्टी उम्मीद मत दीजिए, इसे कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन क्यों? आप देख नहीं रहे, इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। और इसके हार्ट में तो होल है, इसी कारण इसके पेरेंट्स भी इसे पराया कर चुके हैं। मैं उस वक्त 26 साल का था और उससे पहले मैंने कभी बच्चों के बारे में सीरियसली सोचा नहीं था, पर जब मैंने बीनी को देखा तो मुझे लगा कि वह मेरा ही बच्चा है। बीनी पापा नया घर। बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप प्रोसीजर बताइए। सर आपकी शादी हो गई? नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 26। सर हमारे अनाथ आश्रम में अकेले पेरेंट को बच्चा अडॉप्ट करने ही नहीं देते, और वैसे भी इंडिया में अडॉप्शन के लिए मिनिमम एज 30 है। बस कुछ दिन, ठीक है? सर वो अनाथ आश्रम वाले लोग मुझे बच्चा अडॉप्ट करने से मना कर रहे हैं। हाँ तो बच्चा गोद लेने की उम्र 30 साल है सर। लेकिन सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, कमाता हूँ, बच्चे की देखभाल में कुछ कर सकता हूँ। सर लेकिन कानून के हिसाब से आप नहीं कर सकते सर। शादी 21 साल के बाद कर सकते हैं, तो अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना होगा तो 30 साल का होना जरूरी है, ये कौन सा कानून है? सर अब रातों रात आपके लिए कानून बदल दे क्या? कानून तो बदलेगा सर, आपके सामने ही बदलेगा। Yeah.
1700 मेल भेजे, लेकिन कानून नहीं बदला। कैसे ले जाऊं मैं तुम्हें घर? लगभग 2 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद आखिर सरकार को आदित्य की बात माननी पड़ी। आदित्य ने न केवल उस बच्चे की जिंदगी बदली बल्कि कानून भी बदल दिया। अब नए कानून के मुताबिक सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की उम्र 30 से 25 साल कर दी गई। कंग्रेचुलेशन आदित्य जी, आपकी मेहनत रंग लाए। अब बिनी का नाम अवनीश है, पर अवनीश सोशल वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू आदित्य पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि स्पेशल चाइल्ड सच में स्पेशल होते हैं और उन पेरेंट्स को हेल्प करते हैं जो ऐसे स्पेशल बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अब तक अवनीश सोशल वेलफेयर सोसाइटी 5000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी से जुड़ चुकी है।